गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन कंप्लीट कर लिए थे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टॉपिक इज क्वाइट न्यू फॉर दिस चैप्टर, एंड एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू डेट योर व्यूज आर वेरी लेस। तुम लोगों का व्यूज बहुत कम है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट व्यूइंग, डेट मीन्स योर अटेंडेंस इज नॉट गुड। तुम्हारा व्यूज जो है वो इक्वल्स टू अटेंडेंस है, काफी कम हो रहा है आजकल। अचानक क्या पता डाउन हो गया ग्राफ, लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा या फिर ज्यादा समझ गए क्या हुआ, आई डोंट नो। सो मेंटेन योर पेस विथ योर स्टडीज, मेंटेन रखो। अदरवाइज अगर एक टॉपिक मिस करोगे तो आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कनेक्टिविटी, इट्स कॉल्ड कनेक्टिविटी, ऑल टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। सारा टॉपिक इंटर रिलेटेड है, एंड टुडे इज न्यू टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्टिंग। और तुम लोग जो भी देख रहे हो, अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड नहीं देख रहे हैं तो उसे मोटिवेट करो, ठीक है, कि वो देखे, नोट्स बनाए, ठीक है। और जितने लोग तुम लोग छोड़ छोड़ कर देख रहे हो वो लोग कंटिन्यू देखो, और एक दूसरे को कॉपरेट करो, मोटिवेट करो कि वो लोग देखे, अटेंडेंस अपना बनाए, ठीक है। व्यूज ही अटेंडेंस बताता है कि कितने लोग किए हैं। पहले अच्छा था, 34-35 थे, और अचानक बीच में देख रहे हैं, कल चेक कर रहे थे हम तो 12-15। ये क्या मजाक चल रहा है यार, 12-15। हाँ, सारे लोग क्या कर रहे हैं बाकी बात, ठीक है। इतने अच्छी अच्छी बातें समझा रहे हैं तो अब क्या, इतना तो आसान SST बना दिए, कहानी की तरह बता रहे हैं हर एक चीज को। तो अपना स्टडी पे फोकस करो, टाइम नहीं है ज्यादा। आज का पेपर में देखो, 10th वाला का जो रिमेनिंग पेपर है वो जून में लेगा एग्जामिनेशन, समझे। तो तुम लोग का 9th जो होगा ना अगला साल, ऐसा नहीं है कि वो एक्सटेंड कर देगा कि भाई कोरोना के कारण चलो लेट कर दे और डिले कर दे, ठीक है। कुछ होने वाला है नहीं ऐसा, टाइम पर अपना एग्जामिनेशन हो जाएगा अगला साल 9th का। तो तुम लोगों को पढ़ना, हार्डवर्क करना, हम लोग तो कर रहे हैं, हम लोग टीचर हैं, वी आर डूइंग, बट वॉट अबाउट यू। तो हार्डवर्क स्टार्ट रखो। आज का टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट में ये जो पहला पैराग्राफ है ये बिना मतलब का, सिर्फ बिना मतलब नहीं, मतलब ही, लेकिन अभी हम लोगों के लिए मतलब नहीं है, ठीक है। ये कहानी है, वही पीछे वाला सकल्स का भाई बहन लोग जो था वो सबसे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये यहाँ कुछ है नहीं, तुम लोग अगर पढ़ना होगा तो पॉज करके वीडियो पहले पढ़ लेना, काटने से पहले मेरा जो था पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट वो है कि जब आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, उस वेजेस में, बट आप कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क। अब विल है, विलिंग मीन्स इच्छा है आपका काम करे, विलिंग टू वर्क एट ongoing wages बट can't फाइंड jobs, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलता है। जो आपका wages है वो ठीक है, आप उससे सेटिस्फाइड है कि ये ठीक है चलेगा, बट उसके बावजूद आपको जॉब नहीं मिल रहा है, डेट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देन अगेन फिर यहाँ पर है, सिला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड। ये फिर वही पीछे का कहानी वाला है, कुछ है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन है, जो कि इस जगह से अनएम्प्लॉयमेंट से लेके जॉब तक है। तो ये पॉइंट आउट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कहानी है, ठीक है, शीला जीतू का कहानी। फिर यहां पर देखो, द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 years to 59 years। जो वर्कफोर्स है, ठीक है, हर एक कंट्री का, हर एक जगह का अपना अपना वर्कफोर्स होता, ठीक है। वर्कफोर्स मतलब, वर्कफोर्स का मतलब है कि कितना लोग जॉब करने लायक है, कितने लोग GDP में कंट्रीब्यूट करने लायक है, ठीक है। तो वैसे लोग को वर्कफोर्स बोलते हैं। तो कितना मिनिमम एज होता है, 15 से यू आर कंसिडर्ड टू बी कंट्रीब्यूटर GDP, यू आर सपोज टू कंट्रीब्यूट, ठीक है। इफ यू आर नॉट स्टडिंग, अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, देन यू आर सपोज टू कंट्रीब्यूट इन GDP। कंट्रीब्यूट इन GDP डेट मीन्स कि आप किसी भी एंगल में करो, सर्विस दो या किसी चीज का प्रोडक्शन करो, ठीक है। एंटिल 59 ईयर्स तक आप वर्केबल हैं, उसके बाद जो है आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है वर्कफोर्स का जो पॉपुलेशन का एज है वो क्या है, मिनिमम 15 एंड मैक्सिमम 59, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहां पर क्या है, फिर यहां पर कहानी है,
ये जो एरिया है ये कहानी है, ठीक है, कि उसका बच्चा लोग जो है छोटा छोटा है, वो लोग काम नहीं कर सकता, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सब कोई लेना देना नहीं है, पढ़ना घर पे पहुंच करके कंटिन्यू, 59 का बाद कंटिन्यू पहुंच करके पढ़ लेना, ठीक है, कुछ है नहीं वैसा यहाँ समझने के लिए। फिर आ जाओ यहाँ पर, ये जो पैराग्राफ चेंज हुआ ये आपको पूरा पूरी बता दिया अकॉर्डिंग टू कहानी जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें से कितने पीपल थे, उसमें कितने पीपल लोग क्या जॉब कर रहे थे, क्या नहीं जॉब कर रहे थे, ठीक है, वो बता दिया। अब यहाँ पर आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो टॉपिक है ना, उसका कोर है, ठीक है, उसका कोर मतलब जो उसका इंपॉर्टेंट चीज है कि अनएम्प्लॉयमेंट का डिविजन कैसे कैसे। देखो, इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट, वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। डेट मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी, रूरल एरिया मतलब ग्रामीण एरिया के लिए अलग है और शहरी एरिया के लिए अलग है, समझे, दो डेफिनेशन है। ऐसे भी इंडिया में ना भाई लोग, इंडिया में दो इकोनॉमी चलता है, याद रखना, याद किया, तुम ही लोग ज्यादा बेटर समझ सकते हो, क्योंकि तुम लोग विलेज और टाउन ये दोनों में हमेशा आते जाते रहते हो, घूमने फिरने जाते हो टाउन, फिर आते हो थोड़ा विलेज टाइप वाला एरिया में, ठीक है, तो इस चीज को तुम ही लोग ज्यादा समझोगे बेटर। देखो क्या है ना कि जो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, वो दो पिलर पर चलता है, एक रूरल इकोनॉमी, एक अर्बन इकोनॉमी। ग्रामीण के दृष्टिकोण से, ठीक है, गांव का दृष्टिकोण से और एक शहर का दृष्टिकोण से, इस दो बेसिस पे हम लोगों का इंडिया का जो पॉलिसी होता है ना, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका फॉर्मुलेशन होता है। तो जब आप मान लो बड़ा हो जाओगे, मान लो आप में से कोई इकोनॉमिस्ट बन गया, इंडियन इकोनॉमी सर्विस क्वालिफाई किया, इंडियन इकोनॉमी सर्विस मतलब कि फ्यूचर में चल के आप जो पूरा इंडिया का इकोनॉमिकल पॉलिसी होगा, ठीक है, इकोनॉमिकल पॉलिसी होगा, वहां आपका सजेशन लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, होता है ना, आपका चीफ इकोनॉमिस्ट है ये सब, उस तरह का मान लो आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करके बन जाते हो, ठीक है, तब आपको ना जो पॉलिसी बनाना होगा ना अपना देश के लिए, वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना पड़ेगा, एक रूरल एरिया पर वो क्या इफेक्ट करेगा और फिर वो अर्बन एरिया पे क्या इफेक्ट करेगा, समझे। तो चलो अब फिर यहाँ रिटर्न आते हैं, रूरल एंड अर्बन एरिया अनएम्प्लॉयमेंट जो है टू बेसिस पर रीड आउट करेंगे हम लोग, एक रूरल एरिया के बेसिस पर और एक अर्बन एरिया के बेसिस पर, ठीक है। हाउ एवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया, जो नेचर से, जो तरीका है, मतलब समझ रहे ना, नेचर से उसका किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट रूरल में कहलाता है और किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में कहलाता है, मतलब उसका जो डेफिनेशन है वो डिफर करता है दोनों जगह पे। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरिया में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट चलता है? सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डेट मीन्स कि आप लोग फ्लो चार्ट बनाओगे, फ्लो चार्ट समझते हो? पता नहीं, मुझे समझा रहे। देखो फ्लो चार्ट होता क्या, पहले लिखोगे अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम सिर्फ यू लिखे हैं, तुम लोग अपना नोटबुक पे पूरा अनएम्प्लॉयमेंट लिखना, फिर यूं ऐसे टू पॉइंट निकालोगे, ठीक है, टू पॉइंट निकाले तो पहला पॉइंट पे क्या लिखोगे, रूरल, ठीक है, वहां पर कैटेगराइज किया ना अनएम्प्लॉयमेंट को, रूरल एंड अर्बन। तो अब क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट जो है दो बेसिस पे पढ़ा जाएगा, एक रूरल पे और एक अर्बन पे। अब रूरल में क्या है, दो है, तो यहां पर इस तरह करके दो पॉइंट करोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, सीजनल लिखोगे और फिर डिसगाइज्ड लिखोगे, ठीक है, सीजनल लिखोगे एंड डिसगाइज्ड लिखोगे, ठीक है। फिर नीचे देखो क्या लिखता है, अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, फिर अर्बन एरिया के सामने एरो लगाओगे, वहां पर क्या लिखोगे, मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये आपका फ्लो चार्ट बन गया, जब आपको याद करना रहेगा ना एग्जाम के टाइम में, याद करना हो या रिवीजन करना हो, तो जो मेन टॉपिक है सॉरी, जो मेन टॉपिक है, ठीक है, वो तुम तुरंत रिवाइज कर लोगे, सिर्फ क्या रहेगा, वर्डिंग में लिखना, तुरंत इसको देख के तुरंत याद नहीं आ जाएगा, इसे देख कर कि हाँ भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली स्टडीज ऑन टू पिलर, डेट इज द रूरल एंड अर्बन एरियाज, एंड द अनएम्प्लॉयमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह करके तुरंत रिवाइज हो जाएगा ना, तो ये सब फायदा होता है, ठीक है, इस तरह से अपना नोटबुक पे बना लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं,
तो पहले सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है पहले वो पढ़ते हैं। देखो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस कब होता है? हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर, है ना, ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि बिहार से बहुत माइग्रेशन होता है पंजाब की ओर, ठीक है, इस साइड, क्यों? क्योंकि लेबर का रिक्वायरमेंट रहता है, लेबर क्लास का रहता है रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो बिहार से लोग माइग्रेट करते हैं लेबर के लिए पंजाब वगैरह। अब मान लो ऑफ सीजन में माइग्रेट किए हैं, ठीक है, ऑफ सीजन में वो लोग गए हैं जिस समय खेती नहीं हो रहा या फसल नहीं काटना, तो उस समय में उन्हें रोजगार मिलेगा, इंप्लॉयमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्यों कोई हायर करेगा? नहीं मिलेगा। तो उस समय क्या होता है, वो लोग खाली बैठे हुए रहते हैं, उस समय वो लोग खेत में काम नहीं करते, कहीं और छोटा छोटा काम करते हैं लेबर का, समझे। तो जो खेत में काम करने वाले हैं उनके लिए तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया अभी, है ना, क्योंकि सीजन है नहीं फसल कटने का, तो ये हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप समझ गए हो गए, ठीक है। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग हार्वेस्टिंग वीडिंग एंड थ्रेसिंग इज डन, ठीक है। अब जब आपका ऑफ सीजन है, ठीक है, ऑफ सीजन है, तो आपका ऑन सीजन भी तो आएगा। ऑन सीजन डेट मीन्स कि बिजी सीजन, जिस समय काम पूरा एकदम तेजी से चल रहा हो, ठीक है। सोइंग बीज बोने का, हार्वेस्टिंग काटने का, वीडिंग मतलब जो पेड़ पौधा के अगल बगल अनवांटेड प्लांट रहता है वो सब का देखरेख करना, वो सबको हटाना वीडिंग के लिए, थ्रेसिंग उसे काट कर रहता है ना थ्रेसर मशीन, उसमें थ्रेसर मशीन होता है एक, काटने के बाद उसमें डालते हैं, वो मशीन दिखाना होगा, ठीक है, देखना थ्रेसिंग, लिखना सर्च करना थ्रेसिंग, ठीक है। थ्रेसिंग इज मतलब साफ सफाई से रिलेटेड है वो फसल का, थ्रेसिंग इज डन, साफ सफाई करते हैं, ठीक है। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, वर्क किस चीज पे डिपेंडेंट है? ईश्वर पे, मतलब बरसात पे, ठीक है। अगर सीजन ठीक है, अगर बारिश हो रहा है आपका सीजन में, तो सीजन आपका ठीक है, तब आपका वर्क जो है ठीक ठाक चलेगा, ठीक है। तो बरसात तो ऐसा नहीं है कि 12 महीना होता है या फसल 12 महीना लगाया जाता है और 12 महीना काटा जाता है, ऐसा तो होता नहीं है, सीजन होता है। तो जो ऑफ सीजन है, जिस समय में फसल का काम नहीं हो रहा है, तो उस समय क्या होगा, आपको बैठे रहना होगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, समझे। तो वैसा वाला जो रोजगार है ना उसे बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वैसा वाला रोजगार में क्या होता है, बेरोजगारी भी रहता है, ठीक है, वैसा वाला रोजगार में बेरोजगारी भी रहता है। तो रोजगार जो है वो तो सर्टेन पीरियड ऑफ मंथ के लिए है, अब वो सर्टेन पीरियड ऑफ मंथ हटा दो तो पता चला वहां क्या बचेगा, बेरोजगारी बचेगा। तो वो वाला जो बेरोजगारी होगा वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। चलो ये हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, समझ गए। देख भाई बता दे रहे हैं, ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहां पर से कुछ काटने वाला चीज नहीं है, क्योंकि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ और फिर उसका एग्जाम्पल दिया हुआ। तो इवन यू हैव टू राइट इन अ सेम वे, इफ यू हैव टू फैच गुड मार्क्स देन मस्ट यू हैव टू राइट इन सेम पैटर्न, एट फर्स्ट गिव डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स एंड लेटर जस्ट यू फिक्स अ एन एग्जाम्पल ऑफ इट, ठीक है, लेटर जस्ट यू फिक्स एन एग्जाम्पल फ्रॉम द डिफाइनिंग वर्ड, यू विल गेट रियली फैंटास्टिक मार्क्स, ओके। तो इसी पैटर्न पे आपको लिखना, अपना राइटिंग स्किल पर ध्यान देना कि लिखना कैसे है, ठीक है। चलो यहां पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अब आ जाओ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इस जगह से। इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, पीपल अपीयर टू बी इम्प्लॉयड, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ना बड़ा मोह माया वाला अनएम्प्लॉयमेंट है, समझे, मोह माया वाला, लगेगा कि यार काम तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो लग ही रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, समझे, वो लग ही रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए मोह माया वाला ये अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो यहां पर आपको फील होगा कि काम कर रहे हैं लेकिन वो काम कोई काम का काम नहीं है, तो उसके बोलते हैं, वैसा कंडीशन को बोलते हैं
डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब तुम लोगों का दिमाग में पक्का ये बात आया होगा कि भाई ऐसा कौन सा काम है कि जिसमें सिर्फ फील हो काम कर रहे हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। तो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। दिस यूजुअली हैपेंस अमंग फैमिली मेंबर्स। अमंग फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी द वर्क रिक्वायर्स द सर्विसेस ऑफ 5 पीपल बट इंगेजेस 8 पीपल। देखो रिक्वायरमेंट कितने का, 5 पीपल। इंगेज कितना, 5 3 8 पीपल। एक्सेस हो गया ना, वो तीन को तो लग रहा है दे 3 आर थिंकिंग डेट दे आर वर्किंग दे आर डूइंग देयर जॉब बट इन फैक्ट इन टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी आर दे डूइंग वर्क। अब बताओ इन टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी आर दे डूइंग वर्क, क्या प्रोडक्टिविटी के दृष्टिकोण से ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि वो अपने कार्य को कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो उससे प्रोडक्शन होने वाली, प्रोडक्टिविटी होने वाली है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एज वी ऑलरेडी हैव स्टडीड दैट एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इफेक्ट्स द जीडीपी। मतलब कि कोई भी इंसान कुछ कर रहा है तो जीडीपी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी ना इफेक्टिव पीपल रहेंगे हम लोग। काम कर रहे हैं तो जीडीपी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है कि जीडीपी नहीं बढ़ रहा 8 लोग का काम करने से भी। क्यों? क्योंकि जीडीपी क्या है, टोटल प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, ठीक है, टोटल। अब एक प्लॉट है, एक प्लॉट से अगर 2 केजी चावल आएगा, ठीक है, एक प्लॉट है वहां फसल जो लगा है उसे काट कर साफ उफ करने से 2 केजी चावल आएगा, ठीक है। और इस प्लॉट में अगर 4 लोग ही सिर्फ काम करें तो काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके जगह पर हम 6 आदमी लगाए हुए हैं। कितना? 6 आदमी लगाए हुए हैं, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा आदमी है? 2 एक्स्ट्रा आदमी है, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा आदमी है ना। तो ये 2 एक्स्ट्रा आदमी लगाने से क्या जो हमारा प्रोडक्टिविटी 2 केजी का है ये बढ़ के 3 केजी हो जाएगा? होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो बस वही चीज पे ये बता रहा है, समझे। तो ये जो 2 आदमी यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है ना, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये समझा दी, अभी और आगे पढ़ना है पैराग्राफ, और भी आगे चीजें आएंगे, है ना। तो आगे का चीजों को पढ़ते हैं, चलो। आई होप समझ गए होगे यहां तक, ठीक है। चलो यहां देखो, 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, रिक्वायरमेंट 5 का बट वर्किंग 8, देन 3 पीपल आर एक्स्ट्रा। दीज 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। वही बात कि 5 पीपल जितना काम कर रहे हैं, अरे भाई वो प्रोडक्टिविटी है ना यार, प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है। जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना ही लेबर पुट करेंगे ना, अननेसेसरी कॉस्टिंग ऑफ लेबर क्यों बढ़ाएंगे? सीधी सी बात है, अननेसेसरी कॉस्टिंग ऑफ लेबर क्यों बढ़ाएंगे? जो काम 3 मजदूर से हो सकता है तो उसी से करवाएंगे ना यार, अननेसेसरी 6 क्यों रखेंगे? 3 का जो कॉस्टिंग है अननेसेसरी बढ़ेगा ना। अगर 6 फिर भी काम कर रहे हैं तो वो 3 तो यूजलेस काम कर रहे हैं, वो 3 तो यूजलेस है ना, प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट तो नहीं ना पड़ा। ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रोडक्शन हो गया वो 3 एक्स्ट्रा लगाने से, बात समझ रहे हो। यही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि अननेसेसरी वर्क, जो अननेसेसरी पीपल हैं उन्हें सेम वर्क में इंगेज करना, अननेसेसरी पीपल हैं उन्हें सेम वर्क में इंगेज करना, जिससे प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इफेक्ट होगा, जिससे प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इफेक्ट होगा, किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जब खेत में कोई काम कर रहा है लेबर तो आप उससे पैसा देंगे ना, तो पैसा आपको क्या देना होगा, ज्यादा देना होगा, लेकिन उसके टर्म में प्रॉफिट आपको क्या होगा, उतना ही होने वाला है जो पहले होने वाला था 2 केजी चावल का। तो इस तरह का कंडीशन को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जरूरत से ज्यादा इंसान जब एक ही काम को करता है तो जितना इंसान एडिशनल उसमें ऐड किया गया है उस इंसान को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं। 3 बार डेफिनेशन को हम समझाएं, अब तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। सीजनल तो समझ जाओगे कि सीजन आया और गया तो हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लेकिन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पहली बार शायद पढ़ रहे होगे तो इसलिए 3 बार हम समझाएं। तो नाउ आई थिंक नाउ समझ गए होगे।
ठीक है, इफ थ्री पीपल आर रिमूव्ड बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन, वही प्रोडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ फाइव पीपल एंड द थ्री एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, अननेसेसरी अनडिस्गाइज्ड जो लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, हो गया रूरल वाला कर लिए, सीजनल एंड अनडिस्गाइज्ड, चलो सॉरी सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कर ली, अब आ जाओ इन केस ऑफ अर्बन, अब अर्बन एरिया वाले में आते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ कॉमन, ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम कॉमन, कॉमन बात हो गया टाउनशिप के लिए, कॉमन फिनोमिना। देखो यहां पे मैनी यूथ विथ मैट्रिकुलेशन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, अ स्टडी शो दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज इंक्रीज्ड फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स, अ पैराडॉक्सियल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विथ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर, ठीक है, ये देखो पैराडॉक्सियल है, पैराडॉक्सियल मैन पावर मतलब पैराडॉक्स मतलब बहुत विडंबना टाइप का सिचुएशन है कि किसी इंडस्ट्री में इतना आदमी है कि जॉब नहीं उसे दे पा रहे हैं, रोजगार ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, अब मान लो एक ही काम को करने के लिए 10 लोग आ जाएंगे तो जो इफिशियंसी है, अब अपने टर्म से मत देखना कि 10 लोग है तो बढ़िया है ना, 10 लोग है नहीं, कंपनी वाला सोच रखना, अगर तुम कंपनी ओनर हो गए तो उस 10 को कैसे नेगोशिएट करेंगे, जितना कम से कम सैलरी में फिक्स हो जाए आदमी वही सोचोगे ना, तो वहां पर जो वेजेस है उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, नेगोशिएशन बढ़ जाता है, ठीक है, कोई बोला नहीं हम 10 रुपये में कर देंगे, तो बोला भाई ऐसा करो वो 10 रुपये में कर रहा तो मैं 9 ही रुपये में कर देता हूँ, लो जो रियल वेजेस है वो मार खा गया, समझ रहे हो, ओवर क्राउडिंग होने से ही होगा पैराडॉक्सियल। और कोई ऐसा ट्रेड है, कोई ऐसा प्रोफेशन है जहां की आदमी ही नहीं है ज्यादा काम करने वाला, वहां डिमांड बहुत है, जैसे कि अभी का डेट में हम लोगों का कंट्री में इंजीनियर्स को लेके हो गया, ठीक है, तुम अपने इर्द गिर्द 2-3 इंजीनियर्स पक्का नोटिस कर लोगे, डोंट टेक इट पर्सनली बट द फैक्ट इज दैट, ठीक है, अपने इर्द गिर्द 2-3 इंजीनियर खुद नोटिस कर लोगे, क्यों, क्या ना कि हमारा कंट्री में जितना इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, जितना इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसमें से मतलब 50% के आसपास इंजीनियर्स में वो स्किल नहीं है जो स्किल कंपनी खोजती है। अब ये हम पर्सनली नहीं बोल रहे भाई, अपना दुश्मनी हम नहीं निकाल रहे कि भाई मैं इंजीनियरिंग नहीं किया हूं तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है उसे मैं ऐसा बोलूं, ये गवर्नमेंट का सर्वे पेपर बोलता है, पेपर बोलता है, ठीक है, पेपर जो बोला है वही मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो पता क्या चलता है कि स्किल उनके पास नहीं है, स्किल उनके पास नहीं है, तो अब इसके लिए वो जिम्मेवार या कौन जिम्मेवार, स्टूडेंट जो पढ़ रहा है इंजीनियरिंग इसके लिए वो जिम्मेवार या कौन जिम्मेवार, माँ बाप तो पैसा खर्च किया, एजुकेशन लोन लेकर दिया, जाओ बेटा पढ़ो, बेटा इंजीनियरिंग पढ़ रहा, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दैट ना, प्रॉब्लम वहां नहीं है कि माँ पिताजी पढ़ा रहे हैं या बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा, प्रॉब्लम वहां पर नहीं है, प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशन में है कि हमारा कंट्री में क्या हुआ, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन बहुत खुल गया, ठीक है, कभी बैंगलोर उंगलोर जाकर देखना, ठीक है, जब मेरा जब मतलब एक कंसल्टेंसी का काम जब चलता था, एडमिशन करवाते थे, ठीक है, तो वहां से बहुत सारा चार्ट्स आता था मेरे पास, ये इंजीनियरिंग कॉलेज वो इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, तो होता क्या कि कॉलेजेस बहुत सारा खुल गया, एजुकेशन में पढ़े थे ना कि जो है स्कूल्स बहुत सारा खुल गया, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी एजुकेशन, वही सेम कंडीशन यहां पर, इंस्टीट्यूशन बहुत सारा खुल गया इंजीनियरिंग का, बट व्हाट अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, और जो बड़ी बड़ी कंपनी है MNC कंपनी है वो अच्छा क्वालिटी वाला खोजते हैं, इसलिए IIT डोमिनेट कर जाता या इस तरह का अच्छा इंस्टीट्यूट डोमिनेट कर जाता। तो खैर कम टू द पॉइंट, ये तो पैराडॉक्स बता दिए इंजीनियरिंग का, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि डिग्री बढ़ जाता है किसी ट्रेड के लिए, बहुत सारे कंपिटेटर आ जाते हैं, जॉब कम रहता, और कोई कोई ट्रेड में ऐसा होता है कि कंपिटेटर ही नहीं है, जॉब खाली का खाली पड़ा हुआ, क्यों, कोई उसको पढ़ने वाला है ही नहीं, समझे, तो इसलिए अपना करियर प्लान करना काफी सोच समझ के करना करियर प्लान, कि करना क्या है, समझे, करना क्या है, अपने करियर प्लान करने में अपने सीनियर्स का
पूरा हेल्प लेना कि क्या है, सिर्फ सीनियर्स का हेल्प ही मत लेना, खुद भी एक अवेयर स्टूडेंट रहना, गूगल पे सर्च थोड़ा थोड़ा करके देखना कि इस करियर से क्या होगा, उस करियर से क्या होगा, समझे। चलो आ जाओ आगे। तो ये समझ गए किस तरह का प्रॉब्लम है, किसी डिपार्टमेंट में जरूरत से ज्यादा कंपिटेटर है तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। यहां तक पढ़े थे, पैराडॉक्सियल मैन पावर सिचुएशन विटनेस सरप्लस मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज कोएग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड, टेक्निकली क्वालिफाइड जिसका बात कर रहे थे, टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड, वाइल देयर इज डेअर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि एक तरफ क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी है टेक्निकली जो क्वालिफाइड है उनसे, और एक तरफ क्या है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो फिर टेक्निकली इंसान भी चाहिए जो जिसके पास स्किल हो, ठीक है, जिनके पास स्किल हो इंसान भी चाहिए। देखो क्या डायलेमा है, वैसा इंसान भी चाहिए लेकिन ऐसा इतना इंसान हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनका स्किल इफिशियंट नहीं है, तो व्हाट अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, फर्स्ट वाला जो एजुकेशन पढ़ाए तो वहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये समझे क्या है कि एक बार फिर लेक्चर दे इस पर, इस जगह से अर्बन एरिया का प्रॉब्लम, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में यही है कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रहा। अरे तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत कोई ऐसे लोग हैं, देखना ना तुम्हारे अगर घर में ही कोई बड़े हैं तुमसे, कोई बड़े भैया हैं, किसी का बड़ा भाई होगा जो ग्रेजुएशन कर लिया होगा या कोई कर रहा होगा, या आप चाचा हैं या कोई है, चाची हैं, कोई हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं लेकिन क्या नौकरी नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, तो व्हाट इज दिस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, समझे। और कभी कभी डायलेमा क्या होता है पता है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस, कि कभी कभी आप इतना पढ़ लेते हैं ना कि आप छोटा काम करने में आपका ईगो आता है, डिग्री ईगो, फक एमए करके यही काम करेंगे, बेकार का एमए पढ़े हैं, समझे, ये वाला ईगो क्लेश कर जाता है, तो ये भी वन ऑफ द रीजन है, ठीक है, ईगो प्रॉब्लम इन द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक्चुअली ये सीन मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, उसे एक जॉब मिल रहा था तो बहुत एमए, तो फिर बोलता है यार यही काम करने के लिए हमें किए थे। एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत कुछ है, जब कभी फेस टू फेस क्लास इंटरेक्शन होगा, अगर इस पॉइंट को याद आ गया, अगर कोई उठाया तब एक्सप्लेन करेंगे और क्या था। यहाँ पर हम लोगों को बुक कंप्लीट करना है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस अभी हम शेयर नहीं करेंगे क्या था। तो चलो अनएम्प्लॉयमेंट समझ गए, तो बेसिकली हम लोग तीन अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े, सीजनल, डिसगाइज्ड एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट का साइड इफेक्ट क्या है, समझे, अनएम्प्लॉयमेंट का साइड इफेक्ट क्या है वो पढ़ेंगे हम लोग। देखो अनएम्प्लॉयमेंट लेड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट लेड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी, जो पीपल अभी तक आपके पास एसेट्स था, ह्यूमन रिसोर्स बना के जिसको आप एसेट्स बना रहे थे, अब वो आपका लायबिलिटीज हो गया, लायबिलिटी मतलब जवाबदेही, ठीक है, अब आप उसको पालिए पोसिए खिलाइए, फिर बेरोजगारी भत्ता दीजिए जो अभी अपने देश में दिया नहीं जाता, बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्री है ना जिनके पास बहुत बहुत पैसा है, समझे ना, बहुत पैसा, जैसे ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब, वहां ना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता मिलता, समझे बेरोजगारी भत्ता मिलता उन लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया, लाइबिलिटीज बन जाएगा एसेट्स हट के, ठीक है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, उदास उदास रहोगे, मायूस पढ़ के ही क्या कर लिए यार, एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ, पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, भाई काम नहीं करोगे तो पैकेट में पैसा नहीं रहेगा, और पैकेट में पैसा नहीं रहेगा ना तो दुनिया एकदम बकवास लगेगा, कुछ है ही नहीं, ना अमेजोन काम आएगा, ना फ्लिपकार्ट काम आएगा, ना आइसक्रीम पार्लर काम आएगा, कुछ नहीं आएगा, पैसा बहुत जरूरी है, क्या करोगे, कड़वा सच है। इन एबिलिटी टू एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल इम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल, इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल इम्प्लॉयमेंट
इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। पीपल एजुकेटेड है मतलब वो इनएबल है, जैसे कि मान लो टीचिंग, ठीक है टीचिंग प्रोफेशन में हमें एक कोई इंसान पढ़ा हुआ लेकिन उसमें टीचर क्वालिटी नहीं है, टीचिंग करने वाला क्वालिटी नहीं है, लेकिन वो चाह रहा है कि हम टीचिंग करें तो नहीं ना हो पाएगा, ठीक है मान लो जबरदस्ती वो करने भी लगा, खुद सब्जेक्ट का उसको नॉलेज नहीं है तो फिर वो पढ़ाएगा कैसे, अगर ये फिर काम करेगा तो ये गड़बड़ काम हो जाएगा, तो ये क्या होगा सोशल वेस्ट हो जाएगा। अब मुझे कोई बोले मार्केटिंग करो कि भाई एक लो ये पेन लो और इसे मार्केट में बेच के आ जाओ, हमको बेचने का कला पता ही नहीं है तो मार्केट में घूम के क्या करेंगे, अननेसेसरी टाइम बर्बादी, वेस्टेज करना। तो अपना शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी, अपना एफिशिएंसी को पहचानना बहुत जरूरी कि आप क्या काम बढ़िया कर सकते हैं। कोई भी एक काम ऐसा करो जो कि जिसमें तुम बढ़िया कर सको, समझे ऐसा काम करो। तो चलो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है यहीं तक रखते हैं, इसको घर पे पढ़ोगे, अगला लेक्चर में ना समाप्त कर देंगे, या तुम लोग सपोर्ट करोगे तो आज ही समाप्त कर देंगे, सिर्फ बोल देंगे कि समाप्त आगे पढ़ लेना, आगे सिर्फ साइड इफेक्ट है। तो उम्मीद है, पक्का उम्मीद है घर पे पढ़ोगे नहीं अगर हम ऐसा छोड़ दिए तो, ठीक है। तो इस जगह तक है, अगले लेक्चर में अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुम लोग अभी जो बताएं समझाएं उसको घर में फिर से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, याद करोगे, ठीक है ओके। और पिछला वाला क्वेश्चन का एसेट जो एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड थे तो उसका आंसर नहीं आया ढंग का, देना है कि नहीं देना आंसर तुम लोग को भी बताओ, उम्मीद छोड़ेंगे नहीं तो, ठीक है देख लो तुम लोग। तो चलो आज यहाँ पर खत्म, अगले क्लास से नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो घर पर।